लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। सरकार होशियार, होशियार, होशियार। अगर ये चलना सही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर सरकार जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। अगर सरकार जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना की ओर से हाथरस की पीड़ित बेटी मनीषा बाल्मीकि को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके विरोध में एक मौन जुलूस बड़ा बाजार के नींबू तल्ला से कलाकार स्ट्रीट होते हुए मालापाड़ा जाकर समाप्त हुआ। इस मौन जुलूस में उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय बख्शी, साथ में सनातन धर्म रक्षा सेना पश्चिम बंगाल के चेयरमैन सचिन त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष बागेश मिश्रा, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, देवेंद्र सिंह एवं सुशील कोठारी, मनोज जैन, नरेश लाटा, संदीप सिंह, रघुनाथ अग्रवाल, पप्पू शाह, पीयूष गुप्ता, विके सिंह, प्रिंस राज, सर्वेश ठाकुर, गौतम साहू, सुनील दीक्षित, अनिल मिश्रा, जीतू कर्मी, देवाशीष मुखर्जी, दीपक माली, जगदीश पांडे, मोती सोनकर, कमल राय, सोनू इंदौरिया, सागर मलिक, सूरज सोनकर, आकाश यादव, गोपी चक्रवर्ती सहित कई लोग शामिल थे। पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना के ओर से मोमबत्ती बिची के आयोजन किया गया। हाथरस में जो घटना घटी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करके हम सबको मोमबत्ती जला करके ये मौन जुलूस का शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग का विश्वास है इसी तरीके से हम लोग जो घटना घटी है उसका लिए कठोर सजा मिलेगा जो लोग ऐसा किया है, और जिसका ऊपर में इस तरीके से घटना घटी है उसका आत्मा की शांति कमाने के लिए हम लोग ये मोमबत्ती का जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग को आज सीबीआई और कोई जज कमेटी कुछ भी बनाए, सजा होना चाहिए। सब चाहता है सजा हो, और कोई अगर हथकड़ी कर ले अपना बोल दिया तो कमेटी तदन कमेटी गठन कर दिया गया, वो सीबीआई कर दिया, ये कर दिया, करने के बाद में अगर कुछ नहीं हो तो खराब है। हम लोग चाहते हैं सजा हो, सरकार इस तरीका से माँ बहन के इज्जत को रुकने नहीं दे। हाथरस में बेटी के साथ जो गलत रेप किया गया उसके प्रतिवाद में पश्चिम बंगाल सनातन धर्म सेना के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और इसका नेतृत्व पवन शर्मा, हमारे भाई देवेंद्र सिंह, बागेश मिश्रा, मणि प्रसाद सिंह, रघुनाथ भैया, संदीप सिंह, रीता लाटा, सुनीता नाटा और बहुत से कार्यकर्ता हैं जो सनातन धर्म के जो पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व बंगाल में इसका आगाज हो चुका है। मोदी का नाम का और जोगी का नाम का, ये दोनों देश को बेच रहे हैं, और देश में हमारी मात्र हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारा नारा है मोदी और योगी तुम दूर है। मांग क्या है? मांग है कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जो जो दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिया जाए, जो कि इस तरह का दोबारा नहीं है। हम लोग यूपी में जो महिला के साथ बलात्कार, जो लड़की के साथ आरक्षी बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ में आज हम लोग पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना की ओर से आज उनके प्रतिवाद में हम लोग रोड पर उतरे हैं, और इसके माध्यम से आज हम लोग योगी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जिसकी आप रात को अंधेरे में जिसका बॉडी जला दिया गया, उसका इंसाफ के लिए हम लोग ऐसे सनातन धर्म रक्षा सेना हर राज्य में, हर देश के कोने कोने, हर राज्य से उभर के सामने आएगी और योगी सरकार से। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना के प्रदेश चेयरमैन सचिन त्रिपाठी, महिला समिति से उपस्थित थी रीता लाटा, सुनीता नाहटा, नीलम कौर, रंजना अग्रवाल, पूजा शाह, मनीष आनंदी, सुषमा जरिया, मधु चौधरी, कृष्णा केजरीवाल, रंजू शाह, सुमन सुराना और भी कई महिला सदस्यगण। लेकर के हम मालापाड़ा की ओर हम सबके प्रिय नेता एवं पूर्व विधायक संजय बख्शी के नेतृत्व में हम निकलेंगे। पश्चिम बंगाल सनातन धर्म
पश्चिम बंगाल सनातन संघ की ओर से आज कलाकार शिविर से संगम स्थल से आज हमने वहां पे शुरुआत करके हमारे पश्चिम बंगाल सनातन धर्म के चेयरमैन सचिन त्रिपाठी सहित सभी हमारे सनातन धर्म के दीपक माली से लेकर के भागेश मिश्रा, देवेंद्र सिंह मनोज जैन, रघुनाथ समाजसेवी रघुनाथ अग्रवाल, नारी शक्ति चाहे रीता लटाओ चाहे नीलम कौर हो, चाहे सभी हो, सभी सल्ला झड़िया से लेकर सभी की सभी एक साथ आज रस्ता में हम सनातन धर्म के बैनर तले सचिन त्रिपाठी चेयरमैन अध्यक्ष है, बागेश मिश्रा देवेंद्र सिंह उपाध्यक्ष है, मनोज जैन है, रघुनाथ अग्रवाल है, हम सबके अभिभावक मणि प्रसाद जी सिंह है, सभी एक साथ आज हम लोग यहाँ रस्ता में उतर करके योगी और मोदी को ये बताने के लिए उतरे हैं नारी शक्ति के साथ में कि आइए देख कर चले जाइए आपके यूपी के अंदर में। अगर इससे सांकेतिक आंदोलन था, खाली आगाज करने का आंदोलन था, ये आंदोलन बहुत बेहतर रूप में लेगा आने वाले दिन में अगर हमारी वो हाथरस्त बेटी को न्याय नहीं मिलता है। हमारे बीच उपस्थित हुए थे संसद के प्रिय नेता पूर्व विधायक संजय जी बख्शी, उन्होंने हमारे इस कर्म सूची को आधार करके शुरुआत करके उनके अनेक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में निकल गए। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कांड हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में मैं कहूँगा जो कांड हो रहा है, जिस तरह से लोगों को इनकाउंटर कराते हैं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर रेप होता है और चुपचाप आंख बंद करके जवान बन करके बैठे हुए हैं, हम लोग आज इसको छोटे स्तर पर आज लिए हैं और सिर्फ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराकर जो दोषी है उसका उचित सजा दो। मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं पूछता हूँ योगी के मुख्यमंत्री काल को क्या कमी थी, ऐसा कौन सा बात था कि आप उन चारों दरिंदों को जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और जब उनकी मृत्यु हुई वो तुरंत गिरफ्तार उनको कर लिया गया। आज इस प्रकार देश के अंदर में हत्याएं हो रही है, रेप कांड हो रहे हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर में बाहुबलियों को इसलिए मार दिया जाता है, रेन काउंटर कर दिया जाता है कि कहीं बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनके सामने ना आ जाए, पब्लिक के बीच में ना आ जाए। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही है, बाकी हिंदुस्तान में क्या राज्य नहीं है? और यही बात सीबीआई की, सीबीआई तो मोदी की कठपुतली है, मोदी जो चाहेंगे वही सीबीआई बोलेगी। कि सुप्रीम कोर्ट के जज से ये पेशी कराई जाए और जो चारों दंडित व्यक्ति है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हमारा यही मांग है कि हमारी बेटी को जो अन्याय हुआ है हमारी बेटी के साथ उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। मोदी सरकार से ये पूछना है कि 56 इंच का जो सीना दिखाते थे वो उनका सीना कहाँ चला गया, उनके साथ जो सुनीली नानी रहती थी हमारे देश पर चूड़ियाँ दिखाती थी आज वो मोदी सरकार को क्यों नहीं दिखाती है? उनको दिखाना चाहिए, उनको देश के सामने आना चाहिए। उनकी जितनी भी महिलाएं हैं सब छुपी हुई हैं, कहाँ हैं वो? हमारे देश की बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है हमको इंसाफ चाहिए।